कि हम यहाँ पे इस नहर में मच्छी पकड़ेंगे और कैसे पकड़ते हैं आपको भी दिखाते हैं। कभी पकड़ी तो नहीं है, ट्राई करते हैं। जमा वीडियो देखने के देसी वीडियो देसी जोड़ा बाबा सही कौन खड़ा चिड़ा रो रोजम का لوخي موخي انا لا اوري ام كوميرشال انا سر والي خا فولت فولت توش فولت موديل تاع سنتي رمضان كي فولت كي رمضان وعليكم السلام شكرا مي رباني هذا بعد سي مونج تو دا تيم لايف لا غوري صحيح اول ذا خيبه قلاره بقلاره دا غلام حسین رور چې دې ټې خپل او ګونه مزیا دي خوندوري وبدې او ډېر زبردست ما وبو الله تعالی نعمت لري پر ضلع شانګلا کوش نیو کوش نیو بڑا مزه آتا ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے ویڈیو ویڈیو صحیح ہے قدرتی پانی ہے جو پہاڑوں سے نکلتا ہے اتنا میٹھا ہے کہ روح افزا کی بھی بات نہیں اوئے اوئے ہاں کلیپنگ زبردست زبردست اپ پڑے ہو جاؤ نہیں لکھو संग जग दो तक जे रखा था बहुत नीचे है एक अगर जाम जा रहे हैं बहुत नीचे वहां कैमरे वाला को मेरा अपीले के कैमरा घुमाओ अभी फिर मेरे तरफ घुमाओ अभी देखो कितना नीचे हम जा रहे हैं ना सर मेरे ख्याल में 1000 फीट होगा जब जाम नीचे जा रहे हैं दो पार बस पहले कहा था ये एक पानी का खड़ हम पश्तो में हम इसको खड़ बोलते हैं उर्दू में क्या कहते हैं उर्दू में मेरे को पता नहीं है पश्तो में सिंधी में सिंधी में अलैचा सिंधी में वो पानी जो वाकरो 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 दिस इज दिस नथिंग 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 जगह वाह जी वाह रानी का रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन रानी का रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सब मोटरसाइकिल बस
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका ज़िला शांगला पुरन, ये हमारा गांव है, अबाई गांव है। यहाँ पर मेरे दादा जो अपनी ज़िंदगी के कुछ मतलब आधी ज़िंदगी यहाँ पर उसने गुजारी थी, उसके बाद मेरे दादा हिजरत करके सिंध आए थे, फिर मेरे अबू की पैदाइश भी सिंध हुई थी, मेरी पैदाइश भी सिंध हुई थी। तो मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने अबाई गांव नहीं आया था, ज़िंदगी में पहली बार अपने अबाई गांव, अपने दादा के गांव ज़िला शांगला पुरन में आया हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया बहुत। और वैसे भी कहते हैं कि जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में ये हमारा मुल्क शुमार होता है। बहुत शुक्रिया। गुड़ का चाय तैयार किया है ठंडी मौसम में, ठंडे पानी में जब गुड़ का चाय मिलता है तो मजा क्या होता है वो आप लोग को समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती पर है। और यहाँ पर ये हम खैबर पख्तूनख्वा की बहुत ही एक खूबसूरत जगह पर आए हुए हैं, जहाँ पर पानी भी बह रहा है और ये क्या कहते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमने तो बहुत इंजॉय किया, आज आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे हमने इंजॉय किया और कैसे आप लोग भी इंजॉय करते हैं। कुछ ये हमारे कुछ लड़के, ये टिकटॉक के शौकीन है, टिकटॉक के चक्करों में भी इसने अपनी जान गंवाई थी, पानी में गिरा था। दादा देर कल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी थोड़ा मोटरसाइकिल चला लेते हैं, गाड़ी तो बहुत चलाई, अभी थोड़ा मोटरसाइकिल चलाते हैं। रानिकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, रानिकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये था आज का हमारा विजिट खैबर पख्तूनख्वा का, मेरे अबाई वतन का। तो आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने नया चैनल बनाया है।